बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नादिया के बावर्ची खाने में। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों के रोज़े बहुत ज़बरदस्त गुजर रहे होंगे। तो आज की जो मेरी रेसिपी है वो चिकन टिक्का है। कि चिकन टिक्का के लिए हमें किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप ये देखिए, आपने इस तरह से बिस्मिल्लाह रहमान रहीम इस तरह मैंने चिकन के अंदर ये देखें गहरे गहरे कट्स लगा लिए। अब हम इसका मसाला तैयार करते हैं। 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 टेबल स्पून लेमन जूस, धनिया पाउडर 1 चम्मच, नमक हसबे ज़रूरत, हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, गरम मसाला 1/2 चम्मच, सफ़ेद ज़ीरा 1/2 चम्मच और ये टिक्का मसाला और ये जर्दे का कलर। टिक्का मसाला 2 चम्मच है और जर्दे का रंग 1/2 चम्मच है। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। रहीम, हम मसाला अच्छी तरह से इसको आपने अंदर तक इसको ऐसे खोल खोल के लगाना है, घंटे के लिए रख देंगे। रहीम, हमारा चिकन देखिए मैरिनेट हो चुका है। अब हम इसको स्टीम में रखेंगे। एक पैन में मैंने पानी डाल दिया है। तो अब हम इसके अंदर एक इस तरह का आप स्टैंड ले लें या कोई प्लेट ले लीजिएगा, बहुत एहतियात के साथ। और अब हमने इसके ऊपर चिकन रख दिया। अब मैं इसको कवर कर दूंगी 30 मिनट। रहमान रहीम, हमारा टिक्का जो है स्टीम हो चुका है। अब हम फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसको निकाल लेते हैं बहुत एहतियात के साथ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, हमने एक पैन के अंदर ऑयल डाल लिया है। अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। अभी हमारा टिक्का तैयार हो चुका है। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, हमारा चिकन टिक्का तैयार हो चुका है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ आप तक आसानी पहुँच सके। दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।